नमस्कार दोस्तों, हिंदी जानकारी उजर पाओ स्वागत दोस्तों। गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे पीपल फोटो एडिटिंग के बारे में। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह का गाइस फोटो कैसे एडिट करें गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे हिंदी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे हिंदी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग देखने में। गाइस गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम पीसीआर टाइप अपना ओपन कर लेंगे गाइस, जैसे कि मैंने पहले से ओपन कर रखा है गाइस। उसके से यहाँ पे हम ब्लैंक पेज ओपन कर लेंगे गाइस। उसके से गाइस ये बैकग्राउंड हम लेंगे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गाइस, कुछ इस तरह का ये बैकग्राउंड है गाइस। अगर गाइस आप लोग को चाहिए बैकग्राउंड तो मैं आपको दे दूँगा इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए गाइस। गाइस अगर आपको बैकग्राउंड चाहेंगे तो आपको ये गूगल से भी मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ से पहले से डाउनलोड करके रखा है गाइस। तो गाइस इसको हम सेट कर लेंगे गाइस। फिर बाकी जो आप देख सकते हैं इसका पार्ट साइड में है, इसका हम लोग पार्ट को क्रॉप करेंगे गाइस। इसको पहले सबसे पहले क्रॉप करेंगे हम। तब हम जाएंगे टूल्स में गाइस, यहाँ पर क्रॉप दिया ऑप्शन, यहाँ से हम लोग इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे साइड साइड से गाइस। उसके से इतना क्रॉप करने से हम फोटो को फिर डन करेंगे गाइस। फिर गाइस यहाँ पर हम अपना मॉडल को ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह का सेट हो गया है। उसके से गाइस यहाँ पर हम अपना मॉडल ऐड करेंगे। तो यहाँ गाइस हम लोग का ये मॉडल है, इसे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह का ये मॉडल हमने ऐड कर रखा है। अब गाइस इसे हम एडजस्ट करा रहेगा जूम करके, जिससे परफेक्ट बैठे मैच करे पीछे के बैकग्राउंड जो पीपल्स हैं उन लोग के हिसाब से मैच करे गाइस। तो गाइस हम लोग का कुछ इस तरह का फोटो है, इसको हम लोग बढ़िया से जूम करके बढ़िया से पहले इसको एडजस्ट कराएंगे गाइस। अब देख सकते हैं कहाँ परफेक्ट बैठ रहा है गाइस, वहाँ देख लेंगे। उसके से गाइस फिर जहाँ देख सकते हैं आप इरेज का एक्शन साइड दे रहा है गाइस, पहले इसको हम सेट कर लेंगे बढ़िया से पहले। तो गाइस हम लोग का ये कुछ सेट इस तरह हो गया है, देख सकते आप लोग ये परफेक्ट हो गया है। तो गाइस यहाँ पता चल जा रहा है कि ये अलग से ये फोटो ऐड यहाँ पर किया गया है। उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं साइड में इरेज का बटन दिया है गाइस, यहाँ से हम फोटो को थोड़ा इरेज करेंगे। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कुछ इस तरह का है, इसका हाइडनेस आप देख सकते हैं कितना है, इसका साइज़ हम अपने हिसाब से को घटा बढ़ा लेंगे गाइस। यहाँ पर नीचे से थोड़ा हम इरेज करेंगे गाइस अपने फोटो को, जिससे बैकग्राउंड के साथ मैच करें गाइस। जैसे आप देख सकते हैं कुछ मैंने इस तरह इरेज कर रखा है इसे, आप देख सकते हैं गाइस इरेज करेंगे गाइस, हम फोटो को डन कर लेंगे गाइस। ठीक है गाइस, उसके से गाइस यहाँ पर हम फिर डन करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक और एक ऐड इमेज करेंगे जो पीएनजी इमेज है, इसे हम शैडो इमेज भी बोल सकते हैं, इसे हम ऐड करेंगे गाइस। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, इसका मैंने रोटेट करके रखा है इस तरह का, देख सकते हैं कुछ इस तरह जूम कर लेंगे गाइस। ठीक है गाइस, उसके से गाइस इसका हम कुछ साइज इस तरह बढ़ा लेंगे जिससे हम लोग को लगे, और इसका कुछ है ऑपेसिटी, इसको हम घटा बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से। या फिर मैंने इसका ऑपेसिटी है जो 90 रखा है गाइस, आप देख सकते हैं आप लोग। उसके गाइस एक कुछ तरीके इसको हम लोग परफेक्ट बैठाएंगे मैच कराएंगे, जिससे हम लोग को बैकग्राउंड मैच करे गाइस। उसके से गाइस इतना करने का फोटो हम फोटो को डन करेंगे गाइस। फिर गाइस यहाँ पे हम एक और इमेज पीएनजी यहाँ पर ऐड किया है, जैसे आप देख सकते हैं जो है माइंड वाला है, आप देख सकते हैं इसका मैंने पीएनजी अलग से एक डाउनलोड करके रखा है। तो इसको इससे हम सभी के सर के ऊपर एक है हार्ट का जो पीएनजी है ऐड है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने अलग ऐड किया है। इतना करने गाइस हम फोटो के ड्रॉ टूल में जाके फोटो के सेव कर लेंगे गाइस। फोटो सेव करने से गाइस हम अपने आ जाएंगे लाइट रूम ऐप में गाइस। देख सकते हैं मैंने सबसे यहाँ पहले आपको ऑटो इफेक्ट देना है गाइस अपने फोटो को। उसके नीचे आपको ब्राइटनेस का आइकॉन दिखेगा, यहाँ से हम लोग ब्लैक ऐस कम कर लेंगे गाइस ब्लैक्स। उसके साथ नीचे देख सकते हैं टेम्परेचर का आइकॉन, इसको हम लोग क्लिक करेंगे गाइस। उसके साथ इसका हम जो सेचुरेशन है उसके हिसाब से अपनी बढ़ा लेंगे फोटो के हिसाब से। उसका फिर मिक्स पे क्लिक कर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेड कलर है, उसको हम घटा बढ़ा लेंगे गाइस अपने हिसाब से। जो अपने कपड़ा रहेगा उसके हिसाब से इसका हम कलर एडजस्ट कराएंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैं इसको एडजस्ट करा रहा हूँ, जिससे बैकग्राउंड से मैच हो जाए गाइस। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे येलो मैं थोड़ा कुछ देख सकते हैं हम, यहाँ पे येलो आपका देख सकते हैं इसका कुछ कलर ज़्यादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने इसका कलर थोड़ा घटा रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस इस हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कराइए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह इसको घटा बढ़ा रखा है, लेंथ कितना कर रहे हैं, सेचुरेशन कितना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह सेटिंग कर रखा है गाइस। कलर एडजस्ट कराने के बाद हम फोटो को फिर यहाँ से हम डन कर लेंगे यहाँ पे। उसके नीचे आप देख सकते हैं आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे गाइस। इसका जो विंटेज है थोड़ा कम कर लेंगे गाइस, आप देख सकते हैं। उसके गाइस उसका जो टेक्सचर है उसको बढ़ा लेंगे गाइस, और क्लियरिटी थोड़ा घटा लेंगे गाइस। बस फोटो में इतना हमको इफेक्ट करना है गाइस, उस पर फोटो को हम शेयर करके सेव कर लेंगे फोटो को अपनी गाइस। उसके बाद गाइस अपने आ जाना ऑटोडेस्क ऐप में गाइस, जहाँ हम फोटो को अपने स्मूथ करेंगे गाइस। तो यहाँ पर गाइस मैंने ये ब्रश लिख रखा है, देख सकते आप लोग स्मूथ ब्रश, आप देख सकते हैं यहाँ पे
और इसका जो सेटिंग आप देख सकते हैं, मैंने इसका सेटिंग किनारे रखा गाइस। इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कराइएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसका कुछ फोटो का पूरा पूरा जूम कर लेना है गाइस, उसका फिर हल्का हल्का ब्रश चलाना। आप देख सकते हैं मैं किस तरह ब्रश चलाता हूँ गाइस, तो फटाफट इसे हम ब्रश चला लेंगे गाइस अपने फोटो पे। गाइस अपने फोटो में अपने मतलब जहाँ ब्रश चलाइएगा अपन इसका जो ब्रश का साइज हर चेंज करते रहेगा, ये कई ब्रश सामने चला दीजिएगा, कहीं से कहीं छोटा और बड़ा ब्रश लगता रहता है, तो आप उसे बढ़िया से एडजस्ट करा कर ब्रश करिएगा। तो हम लोग फटाफट अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली आप देख सकते हैं मैंने फोटो की स्मूथ कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग पहले किस तरह फोटो था लिख रहा हूँ किस तरह का उसका। गाइस फोटो को हम शेयर करके फोटो को सेव कर लेंगे गाइस। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा।